हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरबाज, आपका दोस्त, होस्ट, इस चैनल का होस्ट। मैं हूं अभी अपने गांव में, बिहार में, अपने गांव बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट, मोहब्बतपुर। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, मेरे गांव का नाम है मोहब्बतपुर, क्योंकि यहां सारे लोग मोहब्बत से रहते हैं। तो अभी मैं हूं अपने छत पे, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, अभी बारिश का मौसम हो चुका है। तो हो मेरे ये घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी इसकी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी, कितना अच्छा मौसम हो चुका है। और ये है सामने पहाड़, ये है झारखंड का पहाड़, वो झारखंड का बॉर्डर उस साइड। आज इस घर में बारात जाएगी, यहाँ से एक दूसरे गांव है यहाँ बगल में, वहाँ जाएगी। और यहाँ एक गाड़ी फंसा दिया ये लोग, ये लोग सारे बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में, तो वहाँ से अपनी अपनी कार लेकर चले आए शादी अटेंड करने के लिए। सारे लोग फुल मौज मस्ती कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है मेरा, आप यहाँ आकर अगर घूम कर देखेंगे तो भी पता चलेगा आप लोगों को ये गांव कितना खूबसूरत गांव के गांव वैसे भी खूबसूरत होता है। तो जस्ट यहाँ मतलब सामने में ही ये मतलब हम लोग का ये नदी कहलाता है, नदी एरिया है। तो अभी जैसा कि बारिश का मौसम बना हुआ है, तो अभी देखते हैं कि कैसे बारिश होती है या नहीं। अगर बारिश होगी तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, और ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखा सकूं। और आप लोग देखिए फ़िलहाल मेरे गांव की खूबसूरती को देखकर एंजॉय कीजिए, कैसा लग रहा बताइए। ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है, 500-600 घर होगा। कैसा लग रहा आप लोग बताएं जरूर। ये पहाड़ है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मुश्किल से बाइक से अगर जाए तो 10 मिनट लगेगा। बहुत अच्छा लगता है उधर जाने में भी, अगर उधर कभी जाऊँगा तो उधर दिखाऊँगा आपको जाकर कैसा है सामने से। यहाँ पे काफ़ी सारे नए नए घर बन रहे हैं, और ये है शादी वाला घर, तो आप देख ही रहे। अभी जस्ट एक और शादी ख़त्म हुआ ये वाला, नए वाले घर में कुछ दिन पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। काफ़ी अब गांव में भी मतलब गांव में अब मिट्टी के घर काफ़ी कम ही दिखेंगे आपको, आप देख ही रहे होंगे कि कितना घर कम हो गया मिट्टी का, आपको दिखेगा ही नहीं। अब गांव में भी सारे पक्के के घर, सारे सीमेंटेड घर आप देख सकते हैं। और एक ये तो मेरा नया वाला घर है, अब मेरा पुराना वाला घर वो येलो वाली टंकी के पीछे जो एक वाइट टंकी है, वो वाला जो घर दिख रहा है वो मेरा पुराना घर है, तभी मैं वहीं। सो भाई लोग, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखेगा नहीं बट गिर रहा है नीचे, देखिए। तो स्टार्ट हो चुकी है, अब देखिए कितना देर होता है, कितना होता है काम लगा हुआ है घर पे। देखिए यहाँ बालू चालने का काम लगा हुआ है, ये लोग चाल रहे हैं, चाल कर अंदर रख रहे हैं बेसमेंट में, ताकि बरसात में, फिर तो बरसात आ जाएगी, बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, भीग जाएगा बालू, फिर चलाएगा नहीं उसकी वजह बारिश। आज तो अगर बारिश हो गई तो भीग जाएगा, फिर 2-3 दिन 4 दिन इसको छोड़ना होगा धूप में, ताकि बालू सूख जाए, उसके बाद फिर वो अच्छे से चलाएगा। देखते हैं बारिश कितनी होती है, अल्लाह करे हो ज़्यादा ही हो, माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए गांव का, बहुत लोग परेशान हैं गर्मी से। बालू तो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो काम होते ही रहेगा बालू का, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मौसम ठंडा हो जाएगा तो और अच्छा है, 2-3 दिन 4 दिन फिर कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम थोड़ा लोग सुकून से तो रहेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा गांव देखकर तो अब क्या ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस थोड़ा तो कुछ अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कैसा लगा होगा, थोड़ा अच्छा लगा ही होगा। और जो भी हो, थोड़ा बहुत मैं अपने छोटा छोटा ब्लॉग अभी बनाता रहूँगा, ब्लॉग डालता रहूँगा, आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जैसा हो कॉमेंट में बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग क्या देखना चाहते हैं गाँव में। और फिर मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, डालूंगा अपने नए घर का पूरा भी दिखाऊंगा, पूरा काम तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है बट जितना हुआ मैं दिखाऊंगा कैसा बना है, क्या क्या है, कैसे किस तरीके का डिज़ाइन है मेरे घर का, नए घर का। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों को वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे, और सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलता रहे मेरे नए ब्लॉग का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।